संभालो तुम दोनों खुद को। मेरे समझाने से कहां समझती है, मेरी बात सुनती होती, समझती होती तो आज जिस नहज पे ना पहुंचते। एहसास है तुम्हें, कुछ एहसास है तुम्हें इस वक्त कितनी तकलीफ से गुजर रही होगी वो, बजाय तसल्ली देने के परेशान कर रहे हो तुम उसे। हस्मा आ बैठो मेरे पास। मैं तकलीफ में नहीं हूं मामा, क्या मैं तकलीफ से नहीं गुजर? मना भी किया था मैंने इसे, मत जाए अपने घर, यहीं रहे, हम इसका ख्याल करेंगे, वहां इसका कोई ख्याल नहीं रख सकता। लेकिन मेरी बात नहीं मानी और आज इसकी गलती की सजा मैं भी भुगतूंगा। अरे ये तो मुझे अपनी तबीयत के बारे में, मेरे बच्चे के बारे में कुछ भी नहीं बताती थी, इस लायक नहीं समझती थी मुझे। वैसे ये बात रोमान ठीक कह रहा है अस्मा, तुम्हें इस तरह घर छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। पता नहीं मां तुमने क्या खाया, कुछ खाया भी ठीक से या नहीं, किसी ने तुम्हारा ध्यान रखा नहीं रखा, बिला वजह इतना बड़ा नुकसान कर लिया अपना। चौकीदार से कि मुझे रूम में छोड़ा है, मेरी कमर में दर्द हो रहा है। तुम देख रहे हो यहां इतनी संजीदा बात हो रही है, अपनी पड़ी है इस वक्त तुम्हें आबान। किधर बच्चों को हलकान कर रही है, पैदल चला के आ जाइए ना, मैं आपको कल छोड़ देता हूँ। अरे बात तो सुनो, कुछ नहीं हो, सब ठीक है, सब ठीक है।